हाय, मैं डाइटिशियन डेजी वालिया वरदान हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे मेल फर्टिलिटी के बारे में। ओवर द इयर्स हमने ये नोटिस किया है कि बहुत स्टेडली जो स्पर्म काउंट है मेल्स में वो कम होता जा रहा है। हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारी ओवरऑल हेल्थ इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी से बचने के लिए, वैसे ही एक स्पर्म की हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उन स्पेशली उन कपल्स के लिए जो कंसीव करना, दैट इज बच्चा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से फूड्स हैं जो हार्मफुल हैं मेल फर्टिलिटी के लिए। सबसे पहले प्रोसेस्ड मीट, दैट इज रेड मीट, लाल गोश्त जो होता है वो आपकी स्पर्म की मोर्टेलिटी जो है वो उसको कम करता है और ओवरऑल स्पर्म का काउंट भी बहुत कम करता है। सेकेंड हम बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल ओवरऑल जो आपका स्पर्म काउंट है उसको भी बहुत ज़्यादा कम करता है। हम थर्ड बात करेंगे सोया प्रोडक्ट्स की। सोया प्रोडक्ट्स में फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं जो आपका हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस कर सकते हैं। फोर्थ हम बात करेंगे हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की, दैट इज क्रीम हो गया, होल मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, आप इस चीज़ को अवॉइड करें। एंड फिफ्थ हम बात करेंगे ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट में आपका सारा जंक फूड, दैट इज फ्राइड फूड आता है, वो जितना अवॉइड किया जा सकता है अपनी ओवरऑल स्पर्म हेल्थ के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमारी स्पर्म हेल्थ को इंक्रीज करते हैं, स्पर्म का जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है या उसका जो काउंट है वो बढ़ सकता है जिससे। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फ्रूट्स जो हाई इन विटामिन सी होते हैं, फ्रूट्स जो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसका इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, आप लेमन का इंटेक अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं, ऑल्सो आप गुआवा ले सकते हैं, आप ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज भी ले सकते हैं। एंड अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी ओवरऑल स्पर्म हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड थर्ड हम बात करेंगे फिश के बारे में। फिश, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप अपना रेड मीट का कंजम्पशन कम कर दें, वैसे ही एक रिप्लेसमेंट की फॉर्म में आप चिकन एंड फिश ले सकते हैं। फिश वेरी रिच इन प्रोटीन, अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसमें बहुत होते हैं, ऑल्सो इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। एंड उसके बाद हम बात करेंगे वॉलनट्स के बारे में। अगर सीड्स एंड नट्स में हम देखें तो वॉलनट्स एंड आमंड्स, स्पेशली जो वॉलनट्स होते हैं वो आपकी स्पर्म काउंट में हेल्प करेंगे। एंड लास्टली मैं बात करूंगी चेस्टनट, दैट इज सिंगाड़ा। सिंगाड़ा आपकी जो स्पर्म का मोर्टेलिटी रेट है एंड ऑल्सो स्पर्म काउंट है वो बढ़ा सकता है। थैंक यू।